टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने दुनिया की दूसरी सर्वश्रेष्ठ टीम ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में जगह कायम कर ली है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का यह दिन खास तौर पर याद रखा जाएगा क्योंकि महिला हॉकी टीम ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। जहां जीत दर्ज होने के बाद सोनीपत में खुशी का माहौल है क्योंकि सोनीपत की चार बेटियां ओलंपिक में महिला हॉकी टीम में खेल रही हैं। जहां हमने अलग अलग खिलाड़ियों के परिजनों से बात की, इतिहास गवाह है कि जब जब बेटियों ने किसी भी क्षेत्र को चुना है तो लिहाजा अपना परचम लहराया है। ताजा उदाहरण टोक्यो ओलंपिक 2020 में देश की महिला हॉकी टीम ने कड़े मुकाबले के बीच क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हरा कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। अंतिम कुछ मिनटों में मैच लगातार रोमांचक दिखाई दिया, सबकी धड़कन रुक गई थी। जहां भारतीय महिला हॉकी टीम ने संयम और मजबूती के साथ खेल में अच्छा प्रदर्शन किया तो भारतीय हॉकी टीम क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गई है। वहीं जीत की खुशी के बाद न केवल पूरे देश भर में बल्कि सोनीपत से महिला हॉकी टीम ने खेल रही चार बेटियों के घरों में और पूरे जिले में खुशी का माहौल है। लोग परिजनों के घर पहुंचकर बधाई दे रहे हैं, परिजन एक दूसरे को मिठाइयां बांटकर खुशियां व्यक्त कर रहे हैं। हमने तो बहुत खुशी है, जो हमने मैच देखा तो हमने बहुत खुशी है कि मेडल जीत का है। बहुत मेहनत करी है, बहुत खुशी कर, बहुत परेशानी थी, खूब मेहनत करके आगे पहुंची हुई है। मैंने मेहनत करके आगे पहुँचाई अपनी लड़की, मीठा बाटेंगे अच्छी तरह, बहुत खुशी हुई है मेरे को। मैं पहले सबका धन्यवाद करना चाहूँगी पूरी टीम का, और मेरी बहन ओलंपिक में गई है, बहुत अच्छी बात है। मैं चाहती हूँ आगे जाए और गोल्ड मेडल लेके आए ओलंपिक में। आज मैच उन्होंने बहुत अच्छा दिखाया है। हाँ, मम्मी को बधाई दी है मिठाई खिला के। हाँ, बहुत खुशी है। मैं नाम सुंदर गुप्ता ने आगा ताऊ सगा ताऊ ने आगा, आज हमारी टीम सेमीफाइनल में पहुँची है। आज बच्चों ने बहुत ही बढ़िया खेल दिखाया और खुशी का तो जी इस किस्म की खुशी का तो कोई अंदाजा ही नहीं है। बधाइयाँ देने वालों के ताते लगे रहे, सुबह से फोन पे फोन आ रहे हैं, लोग बड़ी बधाइयाँ दे रहे हैं सब। और हमारी बच्ची भी बहुत अच्छा खेलती है, बाकी पूरी की पूरी टीम बहुत अच्छा खेलती है सर। मेहनत की जब तो सेमीफाइनल में पहुंचे हैं वो लोग, हम तो ये चाहते हैं हमारे बच्चे गोल्ड मेडल ले गए हैं। जहाँ सोनीपत में हॉकी मैदान पर तीन बेटियों नेहा गोयल, निशा वारसी और शर्मिला खून पसीना बहाती थी, वहीं तीनों बेटियों को विषम हालात में हॉकी के मैदान पर प्रांगत करने वाली उनकी कोच प्रीतम शिवाच ने भी जमकर खुशियां मनाई हैं। मुकाबला तो आप समझ नहीं सकते कि इतना मतलब टफ था। जब हम कल सोच रहे थे भी हमें ऑस्ट्रेलिया से खेलना, देखो ऑस्ट्रेलिया हमसे ऊपर रैंकिंग में भी है और अच्छी टीम भी है, वर्ल्ड की नंबर सेकेंड टीम है, तो हम ये सोचते हैं पता नहीं रिजल्ट क्या होगा कैसा होगा। लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड कुलदीप शिवाच हम दोनों बात कर रहे थे कि जो हमारी लड़कियों को तो प्रेशर भी नहीं है कुछ, और उस टीम को प्रेशर क्योंकि हमसे ऊपर है वो टीम, तो हम ये सोचे खुल के खेलेंगे तो ये मैच जीत सकते हैं। जब हमने मैच स्टार्ट हुआ तो हम लोग यही देखा, जब बॉडी लैंग्वेज थी ऑस्ट्रेलिया की, वो बॉडी लैंग्वेज उनकी ये बता रही थी कि आज का मैच शायद हम इनसे बेहतर खेलेंगे और जीत सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैच स्टार्ट हुआ तो मैंने देखा हमारी वुमेन्स हॉकी टीम बहुत ही अच्छा मैच खेल रही थी और बहुत लेना देना बड़ा अच्छा कर रही थी और फुल कॉन्फिडेंस से खेल रही थी। और आप नेहा गोयल को तो आप खुद देखेंगे कि इतने कॉन्फिडेंस से और टीम के लिए खेली है कि आज उसने अपने आप को प्रूफ कर दिया कि वो बहुत अच्छी प्लेयर है। और ऑस्ट्रेलिया टीम कई बार ऐसा होता है, देखो ऑस्ट्रेलिया टीम को हम कमज़ोर नहीं कहेंगे, वो अच्छी टीम है, कभी कभी किसी दिन लक भी होता। आज शायद हमारे साथ हमारा लक भी था और हमारी मेहनत भी थी, दोनों चीज़ हमारे रंग लेके आई। और जो हमारा गेम प्लान था वीमेंस हॉकी टीम का आज वो बहुत ही अच्छा था, जो भी कोच ने बनाया था वो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग था, जिसके कारण आज हम ये जीत ले पाए हैं। और सारे बच्चों ने हमारे ने बहुत मेहनत की, मतलब लास्ट के जो 5-6 मिनट थे मेरे को इतनी एक्साइटमेंट कभी नहीं होती थी, इवन एशियन गेम्स का मैच देख रही थी उस टाइम भी नहीं थी, लेकिन आज मेरे को अंदर से ऐसा हो रहा था कि पता नहीं क्या होगा, मतलब एक्साइटमेंट इतनी हो रही थी, पता नहीं मैच का क्या होगा, पीछे बोल जाए तो घबराहट हो रही थी, मतलब मैं फुल फिंगर को ऊपर चढ़ा के बैठी हुई थी कि गोल नहीं उतरना चाहिए। और जब पीसी लास्ट में मिल रहे थे तो बहुत डर भी लग रहा था कि इतना अच्छा टाइम है, 1.5-2 मिनट रह रहे हैं और टीम कहीं ये ना हो के बराबर हो जाए, बराबर होने के बाद कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब टीम हमारी ये जीती है तो इतनी खुशी हुई है, या तो मेरी 2002 में जब हमने गोल्ड लिया था तब हमें हुई थी, या आज मेरे स्टूडेंट ने जब ओलंपिक में सेमीफाइनल में प्रवेश किया तब हुई है। निशा वारसी के पिता ने कहा कि हिंदुस्तान की बेटी और पूरी टीम के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए मुबारकबाद देता हूं, हमारी बेटियां हॉकी टीम
सेमीफाइनल में पहुंची है बहुत ही खुशी और गर्व की बात है। ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम मानी जाती है, बेटियों ने बहुत मेहनत करके 1-0 से ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। पूरा परिवार मिठाई खिला रहा और बधाइयां खूब मिल रही हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो हिंदुस्तान की बेटियों को मुबारकबाद, पूरी टीम को मैं अपनी तरफ से देता हूँ, मम्मी भी देती हैं। और सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो आज हमारी बेटियाँ इतनी मेहनत करने के बाद सेमीफाइनल तक पहुँची हैं, एक ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी, बहुत मेहनत कर रही हैं बच्चे, और मेरी बेटी ने भी बहुत मेहनत की है, इनके कोच ने भी बहुत मेहनत की है, और ये यहाँ तक पहुँची, बहुत खुशी की बात है। बस यही दुआ करते हैं कि ये बच्चे गोल्ड मेडल लेकर आए, अपने देश का नाम रोशन करें। सर, स्टार्टिंग में जैसे अभी शुरुआत उन लोगों ने की थी, स्टार्टिंग में तो 3 मैच उन लोगों ने लूज़ किए थे, उसके बाद जो से टीम इंडिया का कमबैक आया है तो वो अपने आप में काबिल तारीफ है। और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को, वर्ल्ड नंबर 1 टीम को अगर आप बीट करके आप सेमीफाइनल में अगर आप अपनी जगह बनाते हैं तो वो एक अपना अलग ही उसका रुतबा हो जाता है। और इंडिया के लिए जीतना, इंडिया के लिए गोल्ड लेके आना, वो हमारा ही नहीं होल कंट्री जो है उसका ड्रीम है। एंड वी ऑल विश कि हम लोग जीतें, गोल्ड लेकर आए और अपने देश का नाम रोशन करें। मेडल 2 कदम दूर है और मनोकामना करते हैं कि देश की बेटी हिंदुस्तान के लिए मेडल लेकर आएं।